हेलो एवरीवन मैनेजमेंट मंत्राल के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे ब्रांड पोर्टफोलियो तो नेक्स्ट आप देखें कि ब्रांड पोर्टफोलियो से रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक आप इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं तो फर्स्ट आता है इसकी डेफिनेशन कौन से डायमेंशन होते हैं क्या रोल होते हैं इसके मॉडल्स और क्या key है की है जिससे कि हम ब्रांड फोलियो को सक्सेसफुली मैनेज कर सकते हैं इन सभी को डिटेल में देखने से पहले कॉर्नर आई बटन पे क्लिक करके आप ब्रांड मैनेजमेंट की प्लेलिस्ट देख सकते हैं जिसके अंदर आप ब्रांड मैनेजमेंट से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियो देखेंगे और डिस्क्रिप्शन में मैनेजमेंट और कॉमर्स से रिलेटेड डिफरेंट सब्जेक्ट के वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंक अवेलेबल है आप वहां से देख सकते हैं वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं तो फर्स्ट आता है ब्रांड पोर्टफोलियो की डेफिनेशन ब्रांड पोर्टफोलियो बताता है एक अम्ब्रेला है जिसके अंदर सारी ब्रांड आती है या फिर उनकी ब्रांड की लाइन आती है जो कि पर्टिकुलर फॉर्म डिफरेंट फंक्शन या डिफरेंट मार्केट सेगमेंट की जो भी नीड है उसके अकॉर्डिंग ब्रांड को सेगमेंट करती है इन सिंपल वर्ड्स में बोला जाए तो ब्रांड पोर्टफोलियो सारी ब्रांड को ऑफर करता है सारे डिफरेंट ग्रुप की जो भी नीड है उनको फुलफिल करने के लिए मतलब एक ही ब्रांड ने अपने बहुत सारे प्रोडक्ट्स निकाल रखे हैं फॉर एग्जांपल कि उन्होंने किड्स के लिए डिफरेंट यंगर्स के लिए डिफरेंट ओल्डर्स के लिए डिफरेंट तो उन्होंने क्या किया है डिफरेंट मार्केट सेगमेंट को टारगेट किया है और उनके अकॉर्डिंग उन्होंने डिफरेंट टाइप के ब्रांड्स को या प्रोडक्ट्स को निकाला उसको हम बोलते हैं ब्रांड पोर्टफोलियो तो जो ब्रांड पोर्टफोलियो होता है जो कि लार्ज फर्म होती है वो अपने ब्रांड के पोर्टफोलियो को मेनली बनाती है लाइक like पी या फिर एच जो कि अपने ब्रांड को दो डायमेंशन से कंसीडर करती है उसकी ब्रेथ और डेप्थ ब्रेथ बताता है कि कितने नेचर के प्रोडक्ट्स आपके पास है या कितनी डिफरेंट कैटेगरीज है फॉर एग्जांपल जैसे कि आपके पास स्किन केयर के भी प्रोडक्ट्स है हेयर केयर के भी है ओरल केयर के भी है तो ये क्या हुआ आपकी ब्रेथ को बताते है नेक्स्ट आता है डेप्थ ये बताता है कि कितने नंबर या कितने नेचर के डिफरेंट ब्रांड्स आप पर्टिकुलर लाइन में या मॉडल्स में रखते हैं डेप्थ बताता है कि जैसे अगर आपके पास शैम्पू है तो शैम्पू में भी आपका पर्टिकुलर एक शैम्पू उसमें भी आपके पास कितने प्राइजेस वाले टेन ट्वेंटी या फिर आप हंड्रेड एम एल टू हंड्रेड एम एल फाइव हंड्रेड एम एल वन लीटर तो ये क्या हुआ डेप्थ कि कितने ज्यादा डिफरेंट प्रोडक्ट्स आपके पास हैं? नेक्स्ट आप ये देखते हैं डायग्राम जिसमें आप प्रोडक्ट मिक्स को देखते हैं ये ऊपर जो आपको तीन पार्ट दिख रहे हैं शर्ट पैंट या ड्रेस जो कि क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग के लिए तो ये क्या हुआ प्रोडक्ट लाइन की ब्रेथ जो नीचे आ गया कि शर्ट्स में भी स्पोर्टीस में छह वैरायटी तो ये इसकी लेंथ को बताता है दस साइजेस में दो कलर में तो ये इसकी डेप्थ को बताते हैं तो प्रोडक्ट कैटेगरी जिसमें कि आप देख सकते हैं ओरल केयर पेपर प्रोडक्ट स्नेक कॉफी कुछ भी हो सकता है फिर इनके भी आइटम्स के भी सब प्रोडक्ट्स होते हैं लाइक ओरल केयर में टूथपेस्ट क्रेस्ट वहीं पेपर प्रोडक्ट्स में पेपर टिश्यू पफ्स, वहीं स्नैक्स और कॉफीज में पोटेटो चिप्स पिंगल्स तो ये क्या हुआ सब प्रोडक्ट्स या उनकी सब कैटेगरी फिर इसमें भी आपको वराइटीज़ मिल जाती है लाइक टूथपेस्ट में आपको जेल पेस्ट मिल जाता है फ्लेवर अन फ्लेवर के अकॉर्डिंग आपको डिफरेंट मिल जाते हैं वैसे अगर चिप्स की हम बात करें तो उसमें आपको ऑनियन क्रीम एंड ऑनियन टोमेटो ऐसे आपको डिफरेंट फ्लेवर्स मिल जाते हैं नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट मिक्स ब्रेथ जिसमें डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइन जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किड्स के क्लॉथ मैनुफैक्चरिंग में आपने देखा शर्ट पैंट और ड्रेस तो ये क्या हुई उसकी ब्रेथ नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट मिक्स की लेंथ तो आप देखते हैं कि पर्टिकुलर कैटेगरीज में भी उनकी छह वेराइटीज है तो वो उसकी लेंथ को बताते हैं फिर उसके अंदर भी उनके पास कितने कलर्स में कितने प्राइजेस में जितने भी प्रोडक्ट्स है वो उसकी डेप्थ को बताते हैं नेक्स्ट आता है डायमेंशन ऑफ ब्रांड पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी जिसमें आता है ब्रांड का स्कोप प्रोडक्ट डिफाइनिंग रोल पोर्टफोलियो रोल्स पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर और ब्रांड पोर्टफोलियो मॉडल ब्रांड स्कोप में आप देखते हैं कि क्या डिफरेंट प्रोडक्ट कैटेगरीज है सब कैटेगरीज है और उसमें पर्टिकुलरली ब्रांड में फ्यूचर में क्या स्कोप है मतलब आप कितनी कैटेगरीज और बढ़ा सकते हैं कितने डिफरेंट टाइप के आप प्रोडक्ट्स ला सकते हैं नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट डिफाइनिंग रोल इसमें आपको बताता है कि कितने डिफरेंट टाइप के आपके पास ब्रांड्स है मास्टर मतलब ब्रांड है एंडोज ब्रांड है सब ब्रांड है ड्राइव रोल है तो इसके अकॉर्डिंग इनके डिफरेंट रोल्स होते हैं नेक्स्ट आता है पोर्टफोलियो रोल जिसमें कि आप स्ट्रेटजीज को बनाते हैं ब्रांड brand की ब्रांडेड सिल्वर बुलेट फ्रैंकर ब्रांड्स ब्रांड्स कैश तो इसको आप और डिटेल में देखेंगे हम अभी स्ट्रेटजीज पढ़ेंगे उसमें नेक्स्ट आता है पोर्टफोलियो का स्ट्रक्चर कैसा है उसमें ब्रांड के क्या हैरार की है ब्रांड का कितना नेटवर्क है वो आपकी ब्रांड के स्ट्रक्चर को बताते हैं नेक्स्ट आता है ब्रांड पोर्टफोलियो के क्या मॉडल्स है इसमें आता है ब्रांडेड हाउस सब ब्रांड्स एंडोस ब्रांड और हाउस ऑफ ब्रांड्स इनको हम डिटेल में देखते हैं फर्स्ट आता है कि किसी भी ब्रांड का ब्रांड पोर्टफोलियो के अंदर क्या रोल होता है तो इसके फोर टाइप्स होते हैं फ्लैंकर ब्रांड केशकाउ ब्रांड लो एंड एंट्री लेबल ब्रांड हाई एंड प्रेस्टीज ब्रांड इनको हम डिटेल में देखते हैं फर्स्ट आता है फ्लैंकर ब्रांड फ्लैंकर ब्रांड को हम फाइटर ब्रांड भी बोलते हैं ये किसी नए प्रोडक्ट को लॉन्च करती है मार्केट में ताकि वो डिफरेंट मार्केट सेगमेंट को कवर कर सके अपने मार्केट शेयर को बढ़ा सके हम यहाँ पे डिफरेंट कस्टमर के सेगमेंट को कवर करते हैं फॉर एक्जाम्पल मतलब या अर्मानी. अर्मानी ये अरमानी अरमानी ने फर्स्ट वाला ब्रांड लॉन्च किया था एक्सपेंसिव ब्रांड जो कि फॉर्मल वियर्स को बिजनेस क्लास के लोगों को टारगेट कर रहा था फिर आया एम्पोरियर जो कि मॉडरेट प्राइस में इन्होंने कैजुअल वियर मतलब जो एवरेज बिजनेस क्लास के लोग थे उनके लिए फिर एक्स एरमानी एक्सचेंज जो कि बहुत कम एक्सपेंसिव था और ये बहुत अफोर्डेबल प्राइस में इन्होंने लॉन्च किया तो उन्होंने तीन सेगमेंट को टारगेट किए हाई इनकम ग्रुप मीडियम और लो और उन तीनों के अकॉर्डिंग डिफरेंट क्लॉथ्स को डिफरेंट फॉर्मल वियर को लॉन्च किया नेक्स्ट आता है केश काउ ये बताता है कि जो भी प्रोडक्ट का ब्रांड पोर्टफोलियो अगर वो मैच्योरिटी लेवल पे आ जाता है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के आपको पता ही होगा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जिसमें कि इंट्रोडक्शन ग्रोथ मैच्योरिटी ऑफ फिर डिक्लाइन तो जब आपका प्रोडक्ट मैच्योरिटी पे आ गया है आप अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं और आपको लगता है कि आप ओवर मार्केट शेयर को कवर कर सकते हैं और ज्यादा टाइम तक सर्वाइव कर सकते हैं तो ब्रांड को क्या करना है अपने आप को वहां से हटाना नहीं होता है। पर उसकी जो कॉस्ट लग रही है वो कैसे कवर करेगी वो और अच्छा कैसे कर सकती है तो वो नए प्रोडक्ट को लॉन्च करती है उस टाइम पे कि अगर वो मेच्यूरिटी के स्टेज पर है अगर उस टाइम पे वो कुछ नहीं करेगी तो डिक्लाइन पे आ जाएगी तो इसलिए उसने नया प्रोडक्ट को लॉन्च किया ताकि उसका जो मैच्योरिटी वाला लेबल है वो बना रहे तो चाहे उसको ज्यादा कॉस्ट आए पर वो नए प्रोडक्ट को लॉन्च करती है लाइक आप देख सकते हैं जिलेट जिलेट में आपको जिलेट सैंसर जिलेट ट्रेक टू जिलेट अल्ट्रा फ्यूजन मार्च थर्ड टर्बो तो ये आपको डिफरेंट टाइप के इसमें प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं तो इन्होंने मैच्योरिटी के स्टेज में थे लोग इनको पसंद कर रहे थे तो इन्होंने और डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट को लॉन्च किया चाहे इनकी कॉस्ट हाई हो नेक्स्ट आता है लो एंड एंट्री लेवल ब्रांड ये बताता है ब्रांड पोर्टफोलियो में इंक्लूड रहता है किसी भी प्रोडक्ट को कि हम ऑफर करते हैं लेस प्राइस में लो प्राइस प्रोडक्ट हम एड करते हैं पोर्टफोलियो में कि हम परचेस कर सकें एटलीस्ट कि कस्टमर देख सके कि ब्रांड की क्या फैमिली है कस्टमर पार्ट होता है फैमिली का उनको हम परस्यूट करवाते हैं कि वो हाई प्राइस में भी इन फ्यूचर परचेज़ कर सकते हैं तो मतलब हम क्या करते हैं जब हमको मार्केट में एंटर करें तो हमने क्या किया हे लो प्राइस रखा है ताकि लोग अट्रैक्ट होकर हमारे प्रोडक्ट्स को हमारी सर्विसेज को ख़रीदें जब कस्टमर को ट्रस्ट हो जाता है कि आपका प्रोडक्ट अच्छा है आपका ब्रांड अच्छा है तो वो क्या हो गया अगर आपका प्राइस हाई भी होता है तो वो आपके प्रोडक्ट को खरीदेंगे। जैसे कि हीरो की बाइक्स तो हीरो ने इम्पल्स इग्निटोर अचीवर्स सीवी ड्रॉन सीवी डिलक्स प्लेटिना कैरिजमा तो इन्होंने डिफरेंट हीरो की बाइक्स को लॉन्च किया पहले ये लो प्राइस रख के मार्केट में एंटर हुए अब इनके प्रोडक्ट के प्राइजेस हाई हैं पर लोगों का ट्रस्ट है कि ये अच्छा होगा तो लोग इसको खरीदते हैं नेक्स्ट आता है हाई एंड प्रेस्टीज ब्रांड ये ब्रांड पोर्टफोलियो प्रोडक्ट को ऑफर करता है हाई प्राइस पे की ये बताता है कस्टमर के माइंड में कि ये प्रेस्टीजियस ब्रांड है मतलब कि इनका स्टैंडर्ड हाई है तो आपने आपकी जो पोजीशनिंग है आपकी ब्रांड को आपकी क्वालिटी को प्रीमियम बना रखा है तो इसमें आप देखते हैं टाटा के ऑटोमोटिव जिसमें जेगुआ होटल और रियलिटीज में आपको ताज मिल जाता है और रिटेल्स में आपको तनिष को मिल जाता है तो ये टाटा ने क्या किया इन्होंने अपनी ये प्रेस्टीज ब्रांड को बना के रखा है मतलब कि ये प्रेस्टीजियस है अगर आप इनका यूज करते हो तो आपको भी अच्छा फील होता है तो इन्होंने अपने आपको प्रीमियम बना के रखा है नेक्स्ट आता है कौन से मॉडल्स होते हैं ब्रांड पोर्टफोलियो के तो इसमें तीन है ब्रांडेड हाउस हाउस ऑफ ब्रांड्स और हाउस ब्लैंड तो फर्स्ट आता है ब्रांडेड हाउस ब्रांडेड हाउस इसमें एक सिंगल मास्टर ब्रांड होती है मल्टीपल प्रोडक्ट्स के लिए कैटेगरीज के लिए और वो उसी का यूज करते हैं फॉर एग्जांपल जैसे गूगल तो आप देखते हैं गूगल क्रोम गूगल क्लाउड गूगल मैप इन्होंने सेम नेम से ही अपने सारे प्रोडक्ट्स को निकाला है तो ये क्या हुआ ब्रांडेड हाउस मतलब आपका एक सिंगल मास्टर ब्रांड है उसी के अकॉर्डिंग आप डिफरेंट मल्टीपल प्रोडक्ट्स या कैटेगरीज निकालते हैं इसका एडवांटेज है कि आपका इसमें फोकस सिर्फ एक ब्रांड को प्रमोट करने में या उसी पे होता है आप आपके स्केल को और इजीली बढ़ा कर सकते हैं सेकेंड आता है इसके डिसएडवांटेज होता है कि अगर आपका जो भी नया प्रोडक्ट है वो अच्छा नहीं चला तो आपके जो प्राइमरी प्रोडक्ट्स है वो भी अफेक्ट होते हैं नेक्स्ट आता है कि आपको हमेशा इनोवेशन और ग्रोथ करनी रहेगी और ये थोड़ा रिस्की भी होता है सेकेंड आता है हाउस ऑफ ब्रांड्स हाउस ऑफ ब्रांड्स बताते हैं कि इसमें हम इंडिपेंडेंट डिसकनेक्टेड ब्रांड को निकालते हैं क्लासिकली कि जो भी आपका ब्रांड पोर्टफोलियो उसमें आपने डिफरेंट ब्रांड्स को निकाला है और वो सब सेम कैटेगरीज के मतलब आपने एक ब्रांड बनाया उसके अंदर आप बहुत सारे ब्रांड्स को निकाल देते हैं डिफरेंट टाइप की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग लाइक पीएनजी तो उन्होंने एरियल जिलेट पेम्पर्स तो हाउस ऑफ ब्रांड्स मतलब एक हाउस है उसके, उसके अंदर आपको डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स मिलेंगे इसका एडवांटेज होता है कि आपका जो ब्रांड है वो प्रीशियस होता है आपको पता है कि हर ब्रांड के लिए आप किन टारगेट ग्रुप या कस्टमर को ऑफर कर रहे हैं उनकी क्या पोजिशनिंग है इसमें कंपनी देख सकती है कि वो कैसे अनादर टारगेट मार्केट को कवर कर सकती है ये ईजी होता है कि आप इनको ग्लोबली ले जा सकते हैं तो इसके अंदर आपको हर कॉर्पोरेट ब्रांड बनाने के लिए उसको डिफरेंटली क्रिएट करना होता है आप मिनिमाइज करते हैं रिस्क को और आपका जो भी अगर आपका एक ब्रांड नहीं चल रहा था वो दूसरे पे इम्पैक्ट नहीं डालता ये इसका मेनली एडवांटेज होता है नेक्स्ट आता है इसका डिसएडवांटेज हार्ड होता है कि आप कैसे इनको मैनेज करेंगे कॉम्प्लेक्स हो जाता है क्योंकि ये बहुत सारे ब्रांड्स हो गए आपके पास सेकेंड आता है जो भी आपके सीनियर मैनेजर्स हैं वो सिर्फ एक ब्रांड पे फोकस नहीं कर पाते हैं। उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है नेक्स्ट आता है जो भी कंपनी के रिसोर्सेस है वो भी अगर आपको कारपोरेट ब्रांड बनाने में चले जाते हैं तो मतलब आपका जो भी डिफरेंट टाइप के ब्रांड है तो आपको डिफरेंट टाइप के रिसोर्सेज डिफरेंट जगह पे लग जाते हैं नेक्स्ट आता है हाउस ब्लेंड हाउस ब्लेंड आर्किटेक्चर बेस्ड होता है कि आपकी कितनी सब ब्रांड है मतलब जो आप एग्जिस्टिंग पेरेंट ब्रांड्स होती है उसके अंदर आप बहुत सारी सब ब्रांड्स को बना लेते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर गूगल की बात करें तो इसमें आपने जो गूगल सर्च इंजन था वो आपका प्राइमरी ब्रांड था पर उसके साथ में आपने जी को कैलेंडर को मेप को भी देना शुरू कर दिया साथ ही में आपने ब्लॉगर विकास यूट्यूब को भी ले लिया तो आपने इस तरीके से बहुत सारी आपकी सब ब्रांड्स को बना लिया तो आपका जो एग्जिस्टिंग ब्रांड था प्राइमरी उसके थ्रू आपने सब ब्रांड्स को भी ओर डेवलप कर लिया नेक्स्ट आता है की टू मैनेज अ सक्सेसफुल ब्रांड पोर्टफोलियो कि कैसे हम ब्रांड पोर्टफोलियो को सक्सेसफुली मैनेज कर सकते हैं तो फर्स्ट आता है बोल्ड एंड एक्सटेंड कोर ब्रांड कि आपको जो भी आपका कोर ब्रांड है उसको और बढ़ाना है उसको बनाना है नेक्स्ट आता है आप एड करते हैं ब्रांड के पोर्टफोलियो को कि आप मेच्यूरिटी को देख सके नेक्स्ट आता है प्रोएक्टिवली आप देखते हैं कि क्या वीक है आपकी ब्रांड में और आप उसको और सिंपल रखते हैं और आप आपके ब्रांड में सीनियर मैनेजमेंट को भी इन्वॉल्व करते हैं तो ब्रांड पोर्टफोलियो के इस वीडियो में आपने पढ़ा इसकी डेफिनेशन क्या डायमेंशन होते हैं इसके रोल मॉडल और कैसे आप सक्सेसफुली ब्रांड पोर्टफोलियो को मैनेज कर सकते हैं वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए और किसी टॉपिक पर तो वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं थैंक यू